आज हम आपकी मुलाकात भोपाल शहर के जनाब मकबूल दयावान से कराने जा रहे हैं, जो इन्होंने बच्चों को, गरीब बच्चों को, नाबालिग बच्चों को और जो बच्चे भी मांगते हैं उनकी एक मुहिम तैयार करी है। तो आइए जनाब मकबूल साहब से कुछ चंद बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या मुहिम चालू करी है और वो कहाँ तक गया था मुहिम को। तो मकबूला, ये बताइए कि आपने ये जो मुहिम चालू करी, ये आपने क्या सोच के हो, क्या समझ के करिए, प्लीज बताने थोड़ा जनता को। साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आजकल जो बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, मासूम बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे, वो ज़्यादातर बच्चे वो चोरी हुए बच्चे होते हैं। 90% चोरी हुए बच्चे उनसे भीख मंगवाई जा रही है और सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना पा रही। इसके माध्यम से मैंने जो मुहिम छोड़ी है, बच्चा छोड़ जरूर मिलेगी। तो इस मुहिम को आप और कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? आप खाली भोपाल तक सीमित रखना चाहते हैं या और आगे तक ले जाना चाहते हैं? प्लीज़, मैं इस मुहिम को ऑल इंडिया तक ले जाना चाहता हूँ। जी, ऑल इंडिया तक ले जाना चाहता हूँ। जो बच्चों के माँ बाप हैं, गरीब माँ बाप हैं, जिसके बच्चे घूम जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ बाप को क्या बताना चाहेंगे? उनको क्या न्योता देना चाहेंगे? प्लीज़। तो मकबूल दयावान के नाम से मैंने एक वेबसाइट चालू करी है ताकि हर बच्चा, चोरी हुआ बच्चा, और मानसिक रोगी भी है, इसमें जो फुटपाथों पर चोर है, कोई अता पता नहीं किया। मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कराई सब पूरे खोली और कोई भी इंसान हमारे वेबसाइट खोल के देख सकता है कि कहाँ का बच्चा और कौन सा का मानसिक रोगी कहाँ पर। और अभी आपके दिल में और क्या चल रहा है बच्चों को लेकर और इस काम को लेकर? इस काम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करेंगे आप? प्लीज़, इस काम के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा। अभी तो मेरी मुहिम सबसे बड़ी है बच्चा छोड़ जरूरी है। उसके अलावा मैं सेकंड जो मेरा काम है वो ये है कि ये अनाथ बच्चे जो आके नशा कर रहे हैं, ये लावारिस कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, इनके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा। और जल्द से जल्द मैंने PM को और CM साहब को मुझे डेटा दिया कि इन पर सख्त सख्त कानून बनाएगा। आजकल तो बेचारे जो मासूम बच्चे तो जिनके अपने माँ बाप को पता चल जाए उनके माध्यम से जिनके मुहिम से। और आपने एक बात और करी होगी मेहू भाई, मकबूल भाई, कि आज के दौर के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे कई लोगों में जो भीख मांगने का नाटक कर रहे हैं वो जनता उनको पैसा दे देती है, यानी जनता का पैसा फूल जाए, यानी हमारी एक सोच है, हमारी एक समझ है कि उन बंदे को भीख दी जाए जो अपाहिज है, जिसकी आंखें नहीं है, जिसके हाथ नहीं है। लेकिन आज ये हालत चल रहा है कि वो भेद बदल बदल के जनता को गुमराह कर रहा है और जनता से भीख मांग रहा है और जनता उनको भीख दे रही है। उस जनता को क्या संदेश देना चाहिए कि ये सही कर रहे हैं, सही कर रही है जनता उनको भीख दे के, ये गलत कर रही है? प्लीज़, ये जनता देखे गलत कर रही है कि वो भीख दिया जाता है तो एक बहुत बुजुर्ग जिनका हाथ पर ताकत नहीं है। आजकल जो भीख मांगे जा रहे हैं वो एक नाटक है और ज़्यादातर जो भीख मांग रहा है वो अपराधी है। वो उनको कैसे अपराधी कहेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो अपराधी? क्योंकि वो तो भेद बदल के आ रहे हैं, जैसे आपने लिखा और बोला और बताया कि साहब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको एक पाउडर दे दिया जाता है, सुन के सुना दिया जाता है, सो जाते हैं। तो ये जनता को कैसे पता चलेगा? भाई, आपने मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप, वो बहुत आगे तक जाएगी, हमारा मानना है मुहिम बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन उसका अंदाज कैसे लगेगा? लोग कैसे समझ पाएंगे कि आज ये गरीब जो है सही है या गलत है, उसका अंदाज कैसे होगा? ये आपके बच्चे पीछे रहेंगे या आप पीछे रहेंगे? इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस विभाग का काम है। पुलिस विभाग जिनको पकड़े और जो बच्चों से भीख मंगवा रहा है उनको लेके जाए, DNA टेस्ट कराएँ और आधार कार्ड से लिंक कराएँ ताकि इनके पता चल जाए कि इनके असली माँ बाप कौन है, अपराधी कौन है। क्योंकि ज़्यादातर देखा है भीख मंगवाने वाले जो बच्चों से वो ज़्यादातर ये चोर गिरोह हैं और दूर दूर शहरों से भाग के आए हुए हैं और अच्छे खासे लोग के कमा सकते हैं, वो लोग अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, मगर फिर भी वो बच्चों का तो ज़िंदगी लाइफ ख़राब कर रहे हैं और खुद भी एक अपराधी है। वो बच्चों को जब नशा देखें उनको अपराधी बनाए।
तो आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, इन बच्चों को उन लोगों से कैसे मुक्त कराएंगे और उनके लिए आगे बच्चों के लिए क्या सोच है? अगर मुक्त करा भी देते हैं, अगर हमारे साथ बच्चे जुड़ जाते हैं तो उनको उनके लिए आगे क्या सोच है आपके, उन बच्चों के लिए क्या मदद करेंगे? उन बच्चों के लिए मदद मैं यही कर सकता हूँ, उनके लिए मैंने बहुत अच्छी सोच सोची, मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छी सोच सोची, बच्चों के काम से मैं अपना पर्सनल एक जगह बनाऊंगा, उनको लिखाई पढ़ाई करवाऊंगा, एडमिशन स्कूल में अच्छे अच्छे एडमिशन स्कूल में मैं दाखिला कराऊंगा ताकि बड़े होकर ये एक अच्छे इंसान बन सके। थैंक यू। आपका नाम? अबूदर। अबूदर जी, ये बताइए आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कितने समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं? अब मैं इनसे 3 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं इनके सेक्सर को देख के और इनको देख के बहुत पसंद होता है। एक बार एक बच्चे को एक रस के से मार रहे थे, वो नशे में थी, बच्चे को नशे में कर रखा था उस औरत ने और उसको छोड़ा रहे थे, तो हमने इनको देखा तो अब इनके साथ 3 साल से जुड़ा हूँ। तो अभी अभी जो आपने बात करी, आपने भी सुनी थी और वो बात दूर दूर तक जा रही है, उस बात को लेकर आपका क्या कहना है? जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, बहुत अच्छी सोच है इनको, ये मतलब अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको ये अच्छा करना चाह रहा है, ये नहीं कि मतलब ये किसी उसमें धकेलना है उसको, पीछे नशा वशा नशे में धकेलना है, मतलब ये उससे छुड़ाना, बच्चे चोरों को पकड़ना चाहिए, बहुत अच्छी मुहिम। अच्छा, इस मुहिम के साथ आप इनके साथ देना चाहते हैं, यानी जो इनकी सोच है वो आपकी सोच है, इस मुद्दे को अपन आगे तक ले जाएंगे और उन बच्चों जो आज बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो जिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है उनकी हम मदद करेंगे, अपने तौर पर मदद करेंगे, कानून को लेकर मदद करेंगे और पीएम और मुख्यमंत्री को लेकर मतलब हम उन बच्चों को सहयोग देंगे। तो ये मुहिम हम कब से चालू कर रहे हैं, चालू तो हो गई, मतलब हम काम कब से चालू करेंगे इसका? जी, हम जल्द से जल्द करेंगे, हम एक बार और इसका थोड़ी वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे इसकी और थोड़ा युवा लड़कों से युवा जुड़ने का कहेंगे उनसे, फिर वैसे तो चली रही है हमारी मुहिम। तो रैली का हमने समय कब रखा है, कब का इरादा है हमारा, कब रैली निकालेंगे बच्चों को लेकर? जी, ये माहौल भाई सब डिसाइड करके बता देंगे जैसे भी। जी, आपका नाम? मेरा नाम शोभित। तो भाई, आप भी इनके साथ जुड़े हैं, मकबूल आए के साथ? जी, इनके समय से जुड़े हैं? मैं इनके साथ कई वर्षों से जुड़ा हूँ, तन मन धन से जुड़ा हूँ और इनकी जो नेक सोच है उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। आजकल हमारे देश में भीख को जो है धंधा बना लिया, बड़ा व्यापार है, सबसे बड़े व्यापारों में से एक भीख का जो है धंधा बहुत चल रहा है। अब आपको सोचिए कि एक माँ और एक बाप के लिए सबसे बड़ा धन जो होता है, सबसे बड़ी दौलत होती है, उसका बेटा और उसका बेटी होती है, उसका बच्चा 9 महीने तक एक महिला अपने पेट में उसको सजो के रखती है, बाप कितनी मेहनतें करता है, जब जाकर वजूद में एक औलाद आती है, उसके लिए सारी चीज़ उसकी औलाद होती है और उस औलाद को कोई अपने मतलब के लिए चुरा लेता है और उसका अपहरण कर लेता है, वो किसी दूसरे अन्य शहर में जाकर उसके हाथ काट कर पैर काट कर और उसको नशे के पदार्थ मिलाकर उससे भीख मंगवाता है और उस माँ बाप को पता भी नहीं रहता कि हमारी औलाद कहाँ पर है, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। और वही बच्चा फिर जब बड़ा होता है तो फिर उसके लिए क्या भविष्य बचता है, सिवाय क्राइम के कुछ भविष्य नहीं बचता है, क्योंकि वो ऐसे ही पला बड़ा है, क्रिमिनल ही बनेगा। इसके लिए ना तो कोई समाज से भी आगे आया, ना कोई नेता आगे आया, ना पुलिस प्रशासन से कोई आगे आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़े, इंटरव्यू लिया और लोगों तक हमारी बात पहुँचाने के हमारी मदद की, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही चाह रहा हूँ, मकबूल दयावर जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, तो इसके लिए मैं सारे युवाओं से और बुज़ुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से और देश के सभी वासियों से समर्थन करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसके लिए हम लोग, ये मकबूल दयावर ने एक साइट बनाई है, वेबसाइट, हम लोगों का काम है अभी, हम पूरे बच्चे मानसिक रोगी जितने भी हैं हम उन सब के फ़ोटो खींच कर वीडियो बनाकर अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, जिन जिनके बच्चे चोरी हुए गुमे हैं या जिनके घर के परिवार के लोग मानसिक संतुलन को बैठे थे और गुम गए हैं, चले गए, भटक गए, वो सब हमारी वेबसाइट पर खोज सकते हैं। इसके लिए हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भी निस्वार्थ है, कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं, सब लोग हम हमसे आगे जोड़े और निस्वार्थ काम होकर करेंगे। मकबूल, एक चीज़ और पूछ रहा है आपसे, अभी हमने ये मुहिम तो छेड़ी है, चलेगी और मैं भी मालिक से दुआ करूँगा आप ऊपर तक जाएँ और इस मुहिम को बहुत आगे से आगे बढ़ाएं और हम हमारा लाइफ होके हमारी लाइफ होके की टीम और जो हमारे साथ लोग साथी जुड़े होंगे वो सब आपके साथ हैं, क्योंकि ये एक नेक काम है और बहुत अच्छा काम है, इसके लिए हर आदमी आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने एक मुहिम छेड़ी चोरी की, बच्चों की,
एक मुहिम हम चारा करते साथ एक और छोटा वो मुहिम ये रहे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज होटलों में दुकानों में बेचारे काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, उनको पढ़ा नहीं पा रहा, वो किसी मजबूरी की वजह से वो दुकानों पे होटलों में गंदे गंदे बर्तन धो रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं और उनके साथ गलत काम भी कराया जा रहा है। इसी भोपाल शहर की बात कर रहा हूँ कि अगर हम गलती मुहिम उस पर भी छेड़े तो वो बच्चे भी हमारे आगे चल के कुछ बच सकते हैं और उनके लिए कुछ बड़ा भविष्य हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने अपनी सोच बता रहा हूँ कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो आप ये काम भी कर सकते हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आज बेचारे गरीब हैं, छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हैं, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, तो कोई एक मशीन का काम सीख रहा है, कोई होटल में गंदे बर्तन धो रहा है, कोई ठेला सजा रहा है, तो हम बच्चों की मुहिम लेके चल रहे हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को भी बच्चों के साथ जोड़ दिया जाए तो एक इतिहास पैदा हो जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने, इसके बारे में सोचा था। पहली बात तो क्या है कि जो भी आपको कुछ देना है किसी गरीब को या किसी को, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को देखो, अपने मोहल्ले वालों को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो। जब अपन अपने रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोसी को देंगे तो ये नौबत नहीं आएगी कि दूसरे शहरों में लोग कब जाएंगे या होटलों में काम करना है बच्चे। पहले आप अपने घर की कंडीशन देखो, तो आपकी घर की कंडीशन देखोगे तो देश मजबूत होगा। देखा आपने मकबूल आए और मकबूल आए के जो साथी हैं उनके क्या विचार है, और ऐसे ही विचार अगर एक एक आदमी के बन जाए तो ये वाकई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी मुहिम। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम करा है, और मैं इनके और इनके दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम में इजाफा दे और उसको बढ़ाए। और लाइव होकर से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल भाई, थैंक यू। अजीज भाई ये बताइए कि माशाल्लाह मकबूल भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है शायद ही कोई मुहिम छेड़ पाता, और इन्होंने ऐसा काम करा है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। बहुत ही मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो जब जिंदगा जी मेरे पास आता तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई कुछ लोग हैं जो बिना साथ के अपने लिए काम कर रहा है, और गरीब बच्चों के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो आप मकबूल भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मकबूल भाई जैसा आदमी इस दौर में काम कर रहा है ना बड़ा और इनके लिए क्या और आगे क्या क्या सोच है आपकी? सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत करेंगे आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी दयावान जो फिरोज खान ने बनाई थी, देखते हैं हो सकता है वो दयावान दोबारा फिर लौट के आ रहा हो। यानी उस टाइम में विरोध करना दयावान था, वो फिल्म थी रियल लाइफ, और रियल लाइफ में दयावान हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गए और मासूम बच्चों के लिए जो वाकई अपने दयावान दिखा के ही रहेगा। हम सब तहे दिल से इस बात की कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को उसके असली माँ बाप तक पहुँचाए। ये मुहिम आगे से